Om Shri Ashwini Nakshatra Devatabhyo Namaha. Hello friends, welcome back. Mehmanshu. आज हम वापस से कोई एक नई स्टोरी नई सीरीज चालू कर रहे हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ नक्षत्रास. सो जैसे कि हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिलेशन में 27 नक्षत्र होते हैं. सो ईच नक्षत्र जब हम कोई भी होरोस्कोप चेक करते हैं तो ईच नक्षत्र कुछ ना कुछ उनके ट्रेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट ह्यूमन विल बिहेव या उसकी जिंदगी में क्या घटेगा वो हमको पता पड़ता है. सो ये ट्रेट्स हमारे ऋषि मुनियों को आए कहाँ से हैं तो उसके लिए वी हैव सम माइथोलॉजिकल स्टोरीज जहाँ से हमने वो ट्रेट्स निकाले हैं. सो माइथोलॉजिकल स्टोरीज अलग अलग बुक्स में अलग अलग ग्रंथों में दी गई हैं या अलग अलग जगह से ली गई हैं. सो आज हम अश्विनी नक्षत्र की सारी जितने भी स्टोरीज जो मैं जान पाया हूँ वो सबको एक जगह रखकर हम उनको ट्राई करेंगे हाउ टू डिकोड देम और उन स्टोरीज से हमने क्या सीखा है और हाउ पीपल और एस्ट्रोलॉजर्स आर डिकोडिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजिकल स्टोरीज उस पर हम आज बात करेंगे. सो आज हम पहला नक्षत्र बोलते हैं अश्विनी नक्षत्र. अश्विनी नक्षत्र जिसको गोल्डन हॉर्स हेडेड भी बोलते हैं या फिर अश्विनी को जुड़वा भाई भी बोलते हैं हिंदी माइथोलॉजी में. लाइक दे आर ट्विन ट्विन ब्रदर्स. सो उनकी उनकी जो उत्पत्ति कैसे हुई या फिर वो कहाँ से आए उसके पीछे की हम 8-10 स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं और उनसे क्या रिजल्ट मिल रहा है हम उन सब में डिटेल में बात करेंगे. सो अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र के जो डाइटी हैं वो हम अश्विनी कुमार बोलते हैं. अश्विनी कुमार दोनों ट्विन्स हैं, दो दो भाई हैं. पहले का नाम है नासत्या, दूसरे का नाम है दासरा. नासत्या बड़ा भाई है जिसको सनराइज भी बोलते हैं या फिर वो हेल्थ या काइंड या हेल्पफुल भी हेल्पफुल नेचर भी रिप्रेजेंट करता है. और दूसरा जो भाई है उसको बोलते हैं दासरा. वो यंगर भाई जो यंगर ब्रदर है उसको दासरा बोलते हैं. उसको मेडिसिन मेडिकल का नॉलेज है इसलिए हम हेल्थ और मेडिसिन हीलर इन लोगों को अश्विनी नक्षत्र से जोड़ के हम देखते हैं. अगर हम अश्विनी का संस्कृत में मीनिंग देखें तो अश्विनी का संस्कृत में मीनिंग होता है ड्योल, दो. और अश्विनी कुमार का अगर हम एग्जिस्टेंस देखें तो ऋग्वेद के अंदर जो कि बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है हिंदू माइथोलॉजी का उसमें 376 टाइम्स अश्विनी कुमार के बारे में उल्लेख किया गया है और 57 दोहे उनके बारे में लिखे गए हैं प्योरली डेडिकेटेड टू अश्विनी कुमार. सो पहली चीज ये पहला नक्षत्र है, हमको ये पता है. तो इसको पहला नक्षत्र ही क्यों बोला, सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये पहला नक्षत्र ही क्यों है. सो जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के टाइम पे पहला जो जीव निकला समुद्र मंथन से वो था अश्व. सफेद कलर का एक अश्व था इस और वो प्योर शुद्धता का प्रतीक, प्योर फॉर्म, प्योरिटी, इन सब का प्रतीक था. उसी अश्व के कारण वो अश्व ही अश्विनी कुमार, उनको भी अश्विनी कुमार कहा जाता है. वो अश्व इंद्र ने लिया, इंद्र ने उसको फिर सूर्य को दे दिया तो वो सूर्य के रथ बना. तो सूर्य का अगर हम कभी भी रथ देखेंगे तो उसके आगे 7 घोड़े होते हैं. दे आर रिप्रेजेंटिंग अश्विनी एनर्जी. दैट इज वाई इनको हम फास्ट ट्रेवलर भी बोलते हैं. लाइक अश्विनी आर वेरी फास्ट. लाइक सूर्य हमेशा घूमता रहता है और सूर्य की गति भी बहुत तेज होती है. तो अश्विनी जो घोड़े हैं अश्व हैं वो ही सूर्य को चला रहे हैं इसलिए अश्विनी को बहुत फास्ट चलने वाला. लाइक अश्विनी नक्षत्र में क्वालिटीज है दे आर वेरी क्विक. तो यहाँ से हमको पता पड़ा कि वो सबसे पहला नक्षत्र उनको क्यों बोला. दूसरी जो स्टोरी आती है अश्विनी कुमार के बारे में वो आती है सूर्य और संजना की.
सूर्य और संजना के बेटे थे अश्विनी कुमार। तो संजना को तावस्त्री भी बोलते हैं। संजना विश्वकर्मा की बेटी थी और संजना को गॉडेस ऑफ क्लाउड भी बोलते हैं, आकाश की देवी भी संजना को बोलते हैं। इसलिए अश्विनी कुमार को यहाँ से, एक तो आकाश में ही सूर्य है और आकाश की देवी भी वो है, सूर्य से आई चमक और आकाश की देवी उनकी हो गई माँ, तो वहां से आया गोल्डन चैरियट ऑफ स्काई। तो सनराइज से सनसेट तक का जो भी पूरी चीजें हैं, एक भाई को सनराइज बोला, एक को सनसेट बोला, तो दोनों जो भी उजाला करता है वो सारी चीजें गोल्डन चैरियट ऑफ स्काई इज अश्विनी कुमार, इसलिए उनको गोल्डन चैरियट ऑफ स्काई बोलते हैं। अब जो सन एंड सूर्य और संजना की कहानी है, सूर्य में बहुत ज्यादा गर्मी थी, इस कारण संजना उसका ताप सह नहीं पा रही थी। इस कारण संजना ने अपनी छाया, जिसको शेडो बोलते हैं, उसमें जान डाली और संजना का प्रतिरूप लेके वहां छोड़कर वो चले गई तपस्या करने, ताकि उसको शक्ति मिले सूर्य का ताप सहने की। पर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, सूर्य और छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसको शनि बोलते हैं, शनि और सैटन बोलते हैं। तो जब संजना वापस आई तो संजना ने देखा कि छाया ने उससे धोखा किया है, क्योंकि वो उसको बस छोड़ के गई थी, बट उनको एक बेटा भी हो गया। और तो वहां से गुस्सा होके बिना बोले चले गई, और उस गुस्से में उसने एक ऋषि का अपमान भी कर दिया। तो उस ऋषि ने उसको घोड़ी बनने का श्राप दे दिया कि तू घोड़ी बनकर ही रहेगी। इधर जो सूर्य था, इनका जो संजना का, संजना नहीं, छाया छाया का एक संजना का दो बेटे बेटी थे, यमा और यमी, वो भी ट्विंस थे। तो यमा ने कुछ खाने का मांगा होगा इन छाया से, तो उसने उसको मना कर दिया। तो यम ने सोचा कि कोई भी माँ अपने बेटे को कभी मना नहीं करेगी किसी भी चीज के लिए, तो उसने सन से जाके उसकी कंप्लेन कर दी कि ये मेरी माँ नहीं है, ये कोई और है। तो थोड़े टाइम बाद सूर्य को भी डाउट हुआ कि हाँ, ये शायद संजना नहीं है, ये कोई और है। तो फिर थोड़े टाइम बाद जब सूर्य को पता पड़ा तो कि वो घोड़ी बन के कहीं पे तपस्या कर रही है, तो ही वो उन्हीं ऋषि के पास गए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ऋषि ने बोला, तुम घोड़ा बनो और तुमको एक दो बच्चे होंगे जिसको अश्विनी कुमार बोलेंगे, आफ्टर दैट जो कर्स है वो खत्म हो जाएगा और संजना संजना अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। सूर्य जंगल में गया, उसने घोड़े का रूप लिया, एंड थोड़े समय बाद उनको ट्विंस बेटे हुए जिनको अश्विनी कुमार बोला गया, और उनके होने के बाद उनका कर्ज खत्म हो गया। तो यहाँ से दूसरी चीज पता पड़ती है, अश्विनी कुमार का देवत्व और प्योर फॉर्म, क्योंकि उनके आने से जो नेगेटिविटी थी, जो कर्स था, वो खत्म हो गया। सो दे हैव ए क्वालिटी जो नेगेटिविटी को खत्म कर देता है, या फिर शुद्धता, प्योरिटी जिसको बोलते हैं, यहाँ से भी हमको उसका पता पड़ता है। और देवगुण जो होता है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि उनको देवगुण था। सो दिस इज द सेकेंड स्टोरी फॉर अश्विनी कुमार। और वो उन घोड़े का रूप लिया और दो हेड थे, दो हेड होने से उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, और घोड़ा लाइक वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल, लाइक उनकी टांगे बहुत तेज होती है, तो वहां से उनकी स्पीड भी आती है। हम दूसरी स्टोरी से भी देखेंगे कि स्पीड और ये कैसे हम बोलते हैं कि अश्विनी कुमार बहुत तेज हैं, या फिर व्हाट आर द अदर क्वालिटीज, लाइक फिजिशियन है, डॉक्टर हैं या हीलर हैं। तीसरी जो स्टोरी जिस पे हम बात करेंगे अश्विनी कुमार के बारे में, वो है सेज मता पा। वो बोलते हैं कि अश्विनी कुमार खुद ही जन्मे हैं, उनके अकॉर्डिंग लाइक दे आर मैनिफेस्टेड बाय देमसेल्फ, क्योंकि वो देवता थे। ये वराह पुराण में दिया गया है। चौथी जो स्टोरी है, वराह पुराण में इसका दूसरा वर्जन भी है, जो सूर्य और संजना का था, वो हम बाद में बात करेंगे। जो अगली स्टोरी है वो
उसके हम बात करते हैं, स्टोरी ऑफ सुकन्या एंड चवन ऋषि। सुकन्या चवन ऋषि की वाइफ थी। एक बार जंगल में अश्विनी कुमार घूमने गए, उनने सुकन्या को देखा। सुकन्या को देख के उनका मन किया कि इसी से हम शादी करेंगे, ये बहुत ही सुंदर थे। बट उनको ये नहीं पता था कि ये चवन ऋषि की वाइफ है। चवन ऋषि अंधे थे, तो अश्विनी कुमार ने सुकन्या को जाके पूरी स्टोरी बोली, और उनने बोला हम चवन ऋषि, अगर तुम हमसे शादी करती हो तो हम चवन ऋषि को सही कर देंगे। बट उनने शर्त में एक और चीज रख दी। सुकन्या ने बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकती। तो जो अश्विनी कुमार थे, उनने मजाक मजाक में, खेल खेल में ये बोला कि हम चवन ऋषि को सही कर देंगे, वो देखने लग जाएंगे वापस से, और इनका जितना भी ट्रीटमेंट है, रोग वोग सब खत्म हो जाएगा। फिर हम चवन ऋषि जैसे ही, हम तीनों सेम एक जैसे ही दिखेंगे, और तुमको पहचानना होगा तुम्हारा असली पति कौन है। तो चवन ऋषि ने कुछ इशारे किए, उस आधार पे सुकन्या ने उनको पहचान लिया। तो शर्त के मुताबिक सुकन्या जीत गई, तो उनको अश्विनी कुमार से शादी नहीं करनी पड़ी, और अश्विनी कुमार वहां से शर्त के मुताबिक चले गए। अगर वो शर्त हार गए तो वो चले जाएंगे उनको सही करके। सो वहां से उनको चवन ऋषि से एक विद्या मिली, जिसको बोलते हैं चवन प्राश। वो विद्या ली और वहां से चले गए। अब यहाँ से दो चीजें हमको अश्विनी नक्षत्र के बारे में पता पड़ती है। पहला तो उनको थोड़े टाइम के लिए लस्ट आया, बट वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उनमें देव तत्व है। देव तत्व कहाँ से पता पड़ता है? कि वो हार गए, हारने के बाद गुस्सा आया, बट जैसा कि उनने बोला था कि वो चले जाएंगे, तो वो अपनी बात से नहीं हटे। सो दे आर ट्रूथफुल। यहाँ से हमको उनकी ट्रुथनेस की पता ट्रुथनेस का पता पड़ता है। वो थोड़े टाइम के लिए डगमगा भी जाए, बट देन टू थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप ही वो सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ते। इसलिए अश्विनी नक्षत्र वाले को बोल सकते हैं दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रुथ। यहाँ से ये भी डिकोड होता है। ऑल्सो अगर च्यवनप्राश अश्विनी नक्षत्र वाले खाएं तो दैट इज अ गुड रेमेडी फॉर अश्विनी नक्षत्र पीपल। अगली जो स्टोरी है वो आती है महाभारत से। वो स्टोरी है नकुल एंड सहदेव की। महाभारत में नकुल एंड सहदेव माद्री और पांडव के पुत्र थे। माद्री जो पांडव माद्री माद्री को वरदान मिला था, वरदान मिला था जो पांडवों की की रानी थी कुंती से। सो उसी कारण उन लोगों ने अश्विनी अश्विनी कुमार की पूजा की, और फलस्वरूप उनको अश्विनी कुमार से दो बेटे प्राप्त हुए, जिनको नकुल और सहदेव बोलते हैं। नकुल एंड सहदेव अश्विनी नक्षत्र में ही पैदा हुए थे, एंड उनके ट्रेट्स को अश्विनी कुमार उनको पूरा का पूरा अश्विनी कुमार के ही अवतार थे नकुल एंड सहदेव। और उनकी अगर स्टोरी हम डिकोड करें तो वी विल अगेन गेट टू नो कि अश्विनी कुमार के ट्रेट्स क्या क्या थे। तो पहली चीज हम यही स्टोरी देखते हैं अश्विनी कुमार की। पहला जो था महाभारत, वो लड़ा गया था धर्म के लिए, और नकुल एंड सहदेव धर्म के साथ थे। तो यहाँ से धर्म इज एसोसिएटेड विथ अश्विनी पीपल। वो गलत रास्ता बहुत कम चुनते हैं, वो धर्म का साथ देते हैं। पहली चीज, सबसे यंग थे पांडवाज में नकुल एंड सहदेव। तो यहाँ से दूसरी चीज पता पड़ती है, जो अश्विनी कुमार अश्विनी नक्षत्र वाले लोग हैं वो यंग दिखते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखते हैं, क्योंकि वो सबसे यंग थे वहां पे और बहुत फुर्तीले भी थे। अब जो फुर्तीली वाली बात आती है, हम बहुत फास्ट बोलते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को, क्विकनेस वो कहाँ से आई? तो अगर महाभारत की स्टोरी देखें तो नकुल और सहदेव ने एक ही बार में 40 40 योद्धा गिरा दिए, मार दिए थे दुर्योधन के। तो इससे पता चलता है हमको 40 लोग एक साथ मारना, मतलब उनमें कितनी फुर्ती होगी। तो यहाँ से उनमें उनकी जो क्विकनेस है, इसलिए हम बोलते हैं कि अश्विनीज आर वेरी क्विक, बहुत फास्ट होते हैं, दौड़ते भी बहुत फास्ट हैं अश्विनी अश्विनी पीपल।
सो यहाँ से हमको वो पता पड़ता है. और या दे लुक यंग, ऑल्सो दे आर वेरी होनेस्ट, शाय, पोटेंशियल, दिस आर द क्वालिटीज ऑफ सहदेव. एंड सर एक्स भाला फेंकने में अश्विनी कुमार जेवलिन थ्रो, एक्स थ्रो, ये सारी चीजें इन स्पोर्ट्स में भी अश्विनी कुमार वालों को देखा जाता है, क्योंकि सहदेव इज वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड एक्स थ्रोइंग पर्सन पूरे पांडवास पूरे महाभारत में. दूसरा एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अश्विनी कुमार इज अश्विनी कुमार को नीति शास्त्र, जिसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसका ज्ञान दिया था देव गुरु बृहस्पति ने. तो अश्विनी जो अश्विनी कुमार को नहीं, नकुल एंड सहदेव को देव गुरु बृहस्पति ने, द्रोणाचार्य ने ज्ञान दिया था नीति शास्त्र का. तो इसलिए दे आर वेरी गुड पॉलिटिशियन ऑल्सो. ऐसे बृहस्पति ने जब उनको ज्ञान दिया, तो अगर जुपिटर इज सिटिंग इन अश्विनी नक्षत्र, तो वहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि दोस पीपल वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, दे विल एक्सेल इन पॉलिटिक्स, या फिर वो उनका पॉलिटिकल माइंड होगा, क्योंकि वहां पे जुपिटर की एनर्जी और पॉलिटिक्स जो नीति शास्त्र है वो भी आ जाता है. उसके बाद इनको एस्ट्रोलॉजर भी बोलते हैं. एक कहानी के हिसाब से महाभारत की ही हमको पता पड़ता है कि अश्विनी कुमार जो नकुल था, नकुल को पहले से ही पता था व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द दिस वॉर, मतलब जो युद्ध का महाभारत का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा. बट नकुल एंड सहदेव को कर्ज था, श्राप दिया गया था, वो किसी को बता नहीं सकते हैं अंटिल एंड अनलेस युद्ध खत्म ना हो जाए, नहीं तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी. और जो मुहूर्त सिस्टम अपन यूज करते हैं आज, मुहूर्त निकालना, ये नकुल एंड सहदेव ने महाभारत जो 5,000 साल पहले लड़ी गई थी, वहां तब 5,000 उससे भी बहुत साल पहले लड़ी गई थी, तब ना जो मुहूर्त का सिस्टम था नकुल एंड सहदेव ने इंट्रोड्यूस किया था. सो वहां से उनका जो एस्ट्रोलॉजी वाला, एस्ट्रोलॉजी में रुझान होना या एस्ट्रोलॉजी में एक्सेल करना, वो वाली ट्रेड्स भी हम अश्विनी नक्षत्र में देख सकते हैं. ऑल्सो युधिष्ठिर उन नकुल और सहदेव को मेडिसिन का बोलते हैं कि उनको चिकित्सा का बहुत ज्ञान था, इसलिए उनके जितने भी सैनिक थे उनको हील करने के लिए नकुल एंड सहदेव ने नकुल एंड सहदेव आगे रहते थे. सो दिस इज सेड बाय युधिष्ठिर के. और जब हमने पॉलिटिक्स की बात की, जो उनको नीति शास्त्र का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से, जुपिटर से मिला है, सो इन युधिष्ठिर के चीफ काउंसलर भी नकुल एंड सहदेव ही थे पूरे महाभारत के युद्ध में. सो इससे हमको पता पड़ता है उनकी पॉलिटिकल, उनकी फुर्ती, उनकी एस्ट्रोलॉजी, उनका फिजिशियन, उनका ये सारे जितने भी ट्रेट्स हैं, ये हमको महाभारत की एक ही स्टोरी से सारे के सारे हमको वापस पता चल जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अश्विनी अश्विनी नक्षत्र और अश्विनी कुमार के ही ट्रेट्स हैं. एंड नकुल एंड सहदेव आर द इनकार्नेशन ऑफ अश्विनी कुमार. बट कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं इसके. नेगेटिव क्या है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर विनिंग द वॉर, उनको प्राइड और ईगो आ गया. अश्विनी कुमार को प्राइड और ईगो आ गया. प्राइड और ईगो आने से जो हायर लोक, मतलब देवलोक में वो जाने वाले थे अच्छे कर्म करने के बाद, प्राइड और ईगो के कारण उनकी डेथ पहले ही हो गई, और वो वैकुंठ धाम जाने से पहले ही मर गए. मतलब उनका स्टेट इतना नहीं पहुंचा था कि वो वैकुंठ धाम जा सके, क्योंकि उनको प्राइड और ईगो आ गया. तो यहाँ से हमको एक चीज पता पड़ती है कि अश्विनी नक्षत्र वालों को प्राइड और ईगो नहीं आना चाहिए. अगर उनको प्राइड और ईगो आ गया है, तो अगर अभिमान करने लग गए वो, तो उनका पतन चालू हो जाता है.
ऑल्सो फॉर्मूला वन कार, क्योंकि स्पीड की हमने बात की तो फॉर्मूला वन कार को भी हम अश्विनी नक्षत्र से देख सकते हैं, जोड़ के देख सकते हैं, जो रेस होती है फॉर्मूला वन की। ये थी हमारी महाभारत की नकुल एंड सहदेव की स्टोरी। उसके बाद दूसरी एक और स्टोरी आती है उसको, वो एक तो हम बोलते हैं ये गंडमूल में आते हैं, लाइक अश्विनी नक्षत्र वाले गंडमूल में आते हैं। गंडमूल में क्यों? क्योंकि ये वाटरी साइन और जो फायरी साइन है उसके बीच में पहला नक्षत्र है, उससे पहले वाटरी साइन आता है और उसके बाद जो ये नक्षत्र है उसमें अग्नि तत्व आता है, तो इसलिए ये गंडमूल में भी आते हैं। और अगली जो स्टोरी है वो है लॉर्ड इंद्रा की स्टोरी। इंद्रा देवताओं का राजा है, वो अश्विनी कुमार पे गुस्सा हुआ क्योंकि अश्विनी कुमार लोगों को ट्रीट करते, तो इंद्र ने उनको बोला कि तुम लोगों को ट्रीट करना बंद कर दो, क्योंकि जो इन लोगों ने पाप किए हैं उनकी सजा ये भुगत रहे हैं। मतलब कोई भी बीमारी हुई या फिर कोई भी डिसीज हुई तो उन लोगों को भुगतने दो, तो ही उनको पता पड़ेगा कि पाप नहीं करने चाहिए। बट अश्विनी कुमार ने बोला नहीं, हम इनको सही करेंगे, हम इनको ट्रीट करेंगे, हम इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो इंद्र गुस्सा हो गए और इंद्र ने बोला मैं तुमको सोम नहीं दूंगा, सोमा इज नेक्टर, अमृत अमृत नहीं दूंगा जिससे तुम इनको ट्रीट करते हो, और तुम खुद भी सोम के बिना देवता नहीं रह पाओगे। तो अश्विनी कुमार ने उनको बोला ठीक है आप हमको मत दो, बट हम फिर भी हम खुद ही सोमा बना लेंगे। सोमा इज अ नेक्टर, बोले तो अमृत, तो हम खुद ही अमृत बना लेंगे। तो यहाँ से उनकी दो चीजें, दो क्वालिटी सामने आती है। पहली, दे आर इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जब वो इंद्रा ने उनको मना किया तो उनने खुद ने ही नेक्टर बनाने का वो फैसला किया, तो दे आर इंडिपेंडेंट। सेकंड थिंग इज दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीवन, वो इंडिपेंडेंट रहना ही पसंद करते हैं, लाइक वो किसी के रूल में नहीं चलते, लाइक कोई उनके ऊपर रूल नहीं कर सकता। तो दिस आर द टू गुड क्वालिटीज ऑफ अश्विनी कुमार विच वी विल सी फ्रॉम दिस स्टोरी। और वो लोगों को हील करने के लिए आगे रहते हैं, इसलिए दे आर फिजिशियन ऑफ द गॉड। साथ में ही वो जब उन्हें, अब अगली स्टोरी आती है इंद्रा दधीची और अश्विनी कुमार की। जब इंद्रा ने उनको मना कर दिया तो अश्विनी कुमार खुद ही नेक्टर के लिए गए, नेक्टर बनाने या फिर अमृत बनाने के लिए गए। तो इसके लिए उनको संजीवनी, उनको पता चला कि संजीवनी विद्या है जिससे हम लोगों को जीवित कर सकते हैं, और मधु विद्या है जिससे हम अमृत बना सकते हैं। तो मधु विद्या यानी हनी नॉलेज, सो एक तरह से अमृत का ही काम करती है जिससे हम इंसानों को ट्रीट कर सके। तो इसके लिए वो दधी जी के पास गए, दधी जी ने उनको संजीवनी विद्या देने का बोल दिया और उनको पढ़ाने लगे कि संजीवनी विद्या क्या है और कैसे प्राप्त होती है, और देने लगे। तो इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने दधी जी का सिर काट दिया, ऋषि दधी जी का सिर काट दिया। तो जो अश्विनी कुमार थे उन लोगों ने घोड़े का सिर उनको लगाया, और फिर उसके बाद उन लोगों ने, लाइक जो ऋषि दधीची ने उसी स्टेट में, लाइक घोड़े के सिर के साथ ही उनको पूरा संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। तो यहाँ से हमको एक और चीज पता पड़ी, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज हॉर्स का सिर लगाने के बाद भी उनने पूरी संजीवनी विद्या दधीची ने अश्विनी कुमार को दे दी। तो ही द हॉर्स हेड इज हाईली नॉलेजेबल, सो दिस आर इंटेलेक्चुअल पीपल, लाइक उनकी बुद्धि अच्छी काम करती है। और जब उनको विद्या मिल गई तो उनने वापस से दधी जी को प्योर स्टेट में लेके आ गए, लाइक उनके ओरिजिनल सर के साथ, संजीवनी विद्या से उनको वापस जीवित कर दिया। तो इससे हमको फिजिशियन का पता पड़ता है, दे आर वन ऑफ द गॉड्स फिजिशियन और फिजिशियन ऑफ गॉड। तो यहाँ से फिजिशियन वाले जितने भी ट्रेड्स हैं, हीलर्स वाले जितने भी ट्रेड्स हैं, वो पता चल जाते हैं हमको अश्विनी नक्षत्र के। उसके बाद आता है एक सीकर ऑफ हनी, दे आर सीकर ऑफ हनी, मधु विद्या जो कि हम हील करने के लिए यूज करते हैं, महा
मधु विद्या से नेक्टर अमृत भी बनाया जाता है। तो अगर अश्विनी नक्षत्रों वाले लोग इस कहानी से मिल्क और हनी का अगर डेली सेवन करें तो दिस इज वन ऑफ द गुड रेमेडी फॉर अश्विनी पीपल टू ऑल्सो जब हमने चवन ऋषि की बात की थी, अगर चवन प्राश भी अश्विनी पीपल खाएं तो दैट इज रियली गुड फॉर देम, वो एक तरह से रेमेडी का काम करेगा। अगली जो स्टोरी है वो है वो एक योद्धा थे विषपला, जिनने युद्ध में अपनी टांग खो दी थी। तो वो अश्विनी कुमार के पास गए कि मेरी टांग टूट गई है, और अश्विनी कुमार आज फेमस फॉर फेमस एज ए फिजिशियन ऑफ गोल्ड। सो लाइक भगवान के और देवताओं के चिकित्सक के रूप में वो फेमस थे। तो उन अश्विनी कुमार ने क्या किया, एक लोहे का पैर बनाया और विषपला को लगा दिया तो उसको नया पैर मिल गया। इससे हमको पता पड़ता है दे आर क्राफ्ट, दे आर ऑलवेज वर्क ऑन क्राफ्ट एंड परफेक्टिंग द नॉलेज। कुछ कुछ नया करना ही है उनको, हमेशा नया करते रहते हैं, या फिर उनको नई नई चीजें सीखना है और फिर इम्प्लीमेंट करना है। सो यहाँ से उनको जो नए नई नई चीजें करने का, या फिर एंट्रोप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो अपना खुद का काम आजकल स्टार्ट करते हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो हाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टार्टअप्स, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स अश्विनी नक्षत्र वाले ही हैं। वो बात अलग है, वो स्टार्ट मतलब स्टार्ट करके बंद कर दें, या फिर स्टार्ट करके हाई लेवल तक चले जाएं। बट बहुत सारे स्टार्टअप्स ये अश्विनी कुमार वाले करते हैं, यहाँ से हम डिकोड कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट स्टोरी इस लाइक रोम में, ग्रीक रोमन माइथोलॉजी में भी अश्विनी कुमार का उल्लेख किया गया है एज ए ट्विन ब्रदर्स एज कैस्टर एंड पॉलक्स। और जो अश्विनी नक्षत्र है उसको हम त्रंगमुखा नक्षत्र भी बोलते हैं। त्रंगमुखा नक्षत्र यानी जब हमको व्हीकल परचेस करना हो, क्योंकि अश्विनी इज आर द व्हीकल ऑफ लॉर्ड सन। लॉर्ड सन के रथ के रूप में अश्विनी जो घोड़े हैं वो चलते हैं, इसलिए हमको जब भी व्हीकल परचेस करना हो तो अश्विनी नक्षत्र इज वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र फॉर परचेसिंग व्हीकल, इसलिए हम बोलते हैं त्रंगमुखा नक्षत्र। सो जो इंदिरा की स्टोरी मैंने सुनाई थी वो ऋग्वेदा में ट्रांसलेशन है तुलसीराम और स्वामी दयानंद का। उसके बाद ऋग्वेद में 376 टाइम्स अश्विनी कुमार का उल्लेख किया गया, 57 हाइमंस है। एक और स्टोरी जो आखिरी स्टोरी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दो स्टोरी है सन और उनकी वाइफ की। सो दूसरी जो स्टोरी है वो इस प्रकार है, स्टोरी सेम है, कैरेक्टर के नाम अलग हो गए हैं बस। ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीच, मरची, उनके पुत्र हैं कश्यप। कश्यप ने शादी की अदिति से और उनके 12 पुत्र हुए आदित्य। आदित्य 12, आदित्य मतलब 12 सन, 12 सूर्य। तो उनके नाम है आमसा, आर्यमाना, भाग्या, दहुति, मित्रा, पुसान, शक्रा। सो ये सब वराह पुराण से लिया गया है। और जो 12वां नाम था वो था मार्तंड। तो मार्तंड को ही हम सन बोलते हैं, और मार्तंड ने शादी की संज्ञा से संज्ञा संग और वो ताप उनका सह नहीं पा रही थी, तो संज्ञा चल गई उत्तर कुरु नामक जगह पे थोड़े दिन तपस्या करने के लिए। फिर संज्ञा ने दो अपनी छाया छोड़ी, उनका यमा और यमी वाली स्टोरी आ जाती है। आफ्टर दैट जब अश्विनी कुमार पैदा हो गए, उसके बाद मार्तंड जो कि संत थे उनने उनको ऑर्डर दिया कि यू हैव टू वर्शिप लॉर्ड नारायणा। तो वो अश्विनी कुमार हमेशा लॉर्ड नारायण की पूजा करते थे, और उनने एक अश्विनी नारायण स्तोत्र भी लिखा है। सो अश्विनी पीपल अगर लॉर्ड नारायण की पूजा करें तो
उनका बहुत अच्छा, लाइक दिस इज वन ऑफ द गुड रेमेडी फॉर अश्विनी कुमार. सो दिस आर द डिफरेंट स्टोरीज ऑफ अश्विनी कुमार जो मैं अलग अलग सोर्सेस से लेके आया हूँ, क्योंकि सारी स्टोरीज एक जगह मिलती नहीं है. कोई कोई से टेक्स्ट में, कोई ऋग्वेद में है, कोई महाभारत की स्टोरी है, या फिर डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स ने अलग अलग तरह से अपनी लाइक स्टोरीज का उल्लेख किया है. सो दिस इज आई थॉट दिस इज द गुड वे सारी स्टोरीज एक जगह कलेक्ट करें एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट द नॉलेज फ्रॉम दिस के हाउ आर द ट्रेट्स ऑफ अश्विनी और अश्विनी नक्षत्र विच आर ट्विंस, ट्विन नक्षत्र. सो होप यू गाइस द स्टोरी एंड द थीम ऑफ द स्टोरीज लाइक डिफरेंट स्टोरीज एंड लाइक दिस वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी 27 नक्षत्र एंड देयर माइथोलॉजिकल स्टोरी. दिस आर टूडे वी हैव ओनली टॉक्ड अबाउट द माइथोलॉजिकल स्टोरी. इन द लाइक नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट लाइक डिफरेंट प्लैनेट्स इन अश्विनी नक्षत्र एंड डिफरेंट पदार्थ एंड ऑल. दिस इज ओनली, अभी हमने खाली माइथोलॉजी की बात की है. सो होप यू गाइज लाइक दिस एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.